हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत ही लेट वीडियो अपलोड की है, बहुत गैप रह गया बीच में। सो जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, मैं आज इस वीडियो के अंदर एक स्टाइलस बनाने वाला हूँ, एक प्रोफेशनल स्टाइलस। अभी स्टाइलस होता क्या है? स्टाइलस एक्चुअली एक ऐसा पेन होता है जिसे हम एज अ पेंसिल की तरह, जैसे कि हम लोग स्केचिंग करते हैं तब हम लोग पेपर के ऊपर पेंसिल यूज़ करते हैं, राइट? वैसे ही हम हमारे स्मार्टफोन के ऊपर यूज़ करते हैं स्टाइलस। सो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि स्टाइलस कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपके घर में हैं वही आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसे बनाने के लिए कौन सी चीज़ें लगने वाली हैं, ओके? तो सबसे पहली चीज़ है वो ये प्लास्टिक है। ये एक्चुअली एक कंडक्टिव प्लास्टिक है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ मिलती है। सो ये मैंने मेरे दोस्त के पास से ली थी क्योंकि उसने नया मदरबोर्ड ऑर्डर किया था। सो वो मदरबोर्ड इसके अंदर पैक होकर आया था, सो इसलिए मैंने ये उसके पास से ले लिया। ये जो प्लास्टिक है वो बहुत सेंसिटिव होता है हमारे टच स्क्रीन से। सो ये पहली चीज़ है। और जो दूसरी चीज़ हमें लगने वाली है वो है एक ब्लैंक पेन। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल का ही होना चाहिए, आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ हमें लगने वाली है वो है एक टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें उसे रैप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रूलर। बट रूलर का मैं यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ही उसका इस्तेमाल करूँगा कि कितनी साइज़ का आपको पीस कट करना है अपने पेन को लगाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक पीस कट करके रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो। सो ये अगर आप देखोगे तो ये 2.5 इंच, मतलब 2.5 लंबा है और ऑलमोस्ट 1/2 इंचेस मोटाई है इसकी, मतलब जो इसकी जो विड्थ है वो 1/2 इंचेस है, ओके? सो इस तरह का जो पीस है आपको कट करके लेना है। कट करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आपको ये पीस चेक करके देखना है कि ये काम कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ पे स्केचबुक प्रो ड्रॉ एंड पेंट, ये एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही फेमस कंपनी की तरफ से, इट्स फ्रॉम ऑटोडेस्क, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैंने इसका प्रो वर्जन डाउनलोड किया हुआ है। सो इसके ऊपर हम लोग चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। ये देखिए गाइस, ये जो शीट है ये बहुत ही सेंसिटिव और इजी है, इसके ऊपर वर्क कर रही है। सो हम इससे स्टाइलस बना सकते हैं। सो अब स्टाइलस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपना पेन लेना होगा और उस पेन के ऊपर इस शीट को इस तरह से लगाना होगा, राइट? आप देख सकते हो आपको किस तरह से लगाना है। ये इतना जो ऊपर का पोर्शन है वो आपको, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आप थोड़ा बाहर रखिएगा क्योंकि यहाँ से ही वो पेन ऑपरेट होगा, ओके? तो इस तरह से आपको लगा के इसे टाइप करना है। सो लेट मी टेक सम टेप। किधर गया? इसे यहाँ पे इस तरह से रखना है और सबसे पहला जो टेप लगेगा वो उसके पीछे की साइड पे लगेगा ताकि वो स्टडी रहे, कहीं पर भी हले ना, ओके? तो ये जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे मैंने इसे टेप कर दिया है ताकि ये कहीं पे जाए ना, ओके? तो अब आपको क्या करना है, मैं पहले इसका ये जो आपका फेस है ये निकाल के देता हूँ, ओके? तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकाल के आपको करना क्या है कि इस तरह का एक फोम अगर आपके घर में रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्चुअली मुझे मिला था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ ही मिलता है। सो ये इस तरह का अगर आपके पास कोई फोम है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपके पास वो नहीं है तो उसका भी मैं आपको, उसके अलावा भी आप क्या यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको करना क्या है कि इसे प्रॉपरली यहाँ से इंसर्ट कर दो पूरी तरह, ओके? यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ।
इतना ये जो पोर्शन है इतना बाहर रहना चाहिए ताकि ये एक्ट करेगा एज आपका जो स्टाइलस का टिप होता है आगे का, उस तरह से ये काम करेगा। सो ये करने के बाद आपको ये फिर से यहाँ पे लगा देना है। ओके, अब जो फाइनल टेप रहेगा वो उसके ऊपर लगेगा। ये जो दूसरा टेप लगेगा वो इसके ऊपर वाले हिस्से पे लगेगा, लाइक यहाँ पे। अभी ये हिस्सा है जो यहाँ से बेंड हो रहा है, राइट? तो ये टेप यहाँ पे लगेगा। सो आप देख सकते हो कि मैंने इसे किस तरह से लगाया है, थोड़ा नज़दीक से देखिएगा। इसे किस तरह से लगाए आप देख लेंगे। ओके, सो अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह से चल रहा है। ओके, सो आपने देखा भी कि मैंने इसी पेन की मदद से एक नया डॉक्यूमेंट भी ले लिया। सो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये चलेगा या नहीं। ओके, इट्स वर्किंग वेरी नाइस, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। इट्स वर्किंग वेरी वेरी नाइस। फिर से एक बार नया दे देते हैं। सो अब मैं कुछ लिखना चाहूँगा। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा ये टोटली वर्क करता है। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी चीप, आप इसे घर पे भी बना सकते हो। सो इसे फिर से नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ओके, तो ये मैं बाजू में, ये मैं साइड में रख देता हूँ। अब आपको मैंने बताया था कि इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊँ। सो यहाँ पर मैं एक दूसरा पेन लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पेन ले लिया है। Let me first empty all the things. इसकी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी ये पूरी तरह बंद हो चुका था, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सो अब आपको क्या करना है कि इसके अलावा ये जो प्लास्टिक है इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो ये। ओके, ये क्या है आपको पता है? ये एक्चुअली एक रैपर है जो हम लोग ये खाते हैं, खा के फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में भी नहीं फेंकते। सो ये एक रैपर है। इस तरह का रैपर, अगर आप इस तरह का रैपर तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैंने ये रैपर लिया है। तो आपको क्या करना है, यही प्रोसीजर जो प्रोसीजर मैंने इसके लिए यूज़ की है, यही जो प्रोसीजर मैंने इसके लिए यूज़ की है वही प्रोसीजर आपको इसके लिए भी यूज़ करनी है। ओके, तो वो भी 100% वर्क करती है। लेट मी शो यू। जो अल्टरनेटिव चीज़ मैंने आपको कही थी उससे भी मैंने एक स्टाइलस बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़रा गौर से देखिएगा, ये है वो रैपर। मेक श्योर कि ये जो आपका रैपर वाला हिस्सा है वो बाहर के साइड में, जो एल्यूमिनियम जैसा आपको दिख रहा है वो बाहर के साइड में होना चाहिए, जिससे कि जो टच रिस्पॉन्स अच्छा है। और जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे वो स्पंज भी लगा लिया है। तो अब हम इसे भी टेस्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा फिंगर का रिस्पॉन्स और ये रहा इसका रिस्पॉन्स। सो गाइज, आप देख सकते हो कि ये भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि वो वाला इफ़ेक्टिव था। फिर से एक बार चेक करते हैं। ये है मेरे फिंगर का रिस्पॉन्स और ये है स्टाइलस का रिस्पॉन्स। सो दोनों ही बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पर अगर आप ये स्टाइलस यूज़ करोगे तो इसको आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे के यूज़ करना होगा। पर अगर आप ये वाला स्टाइलस यूज़ करोगे तो इसको आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये विदाउट एनी प्रेशर ही काम कर रही है।
सो ये था पहला स्टाइलस जो मैं आपको बताने वाला था। अगर आप लोगों के पास इस तरह का जो स्पंज है वो नहीं है तो उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप कॉटन यूज़ कर सकते हो, ओके। छोटी सी कोई भी आप लकड़ी ले लो, उसके ऊपर कॉटन लगा के यहाँ पे इसके सामने वाले हिस्से में उसे अंदर दबा दीजिएगा और फिर ये वर्क करेगा। सो ये था पहला स्टाइलस, मैं अभी आपको बताऊंगा दूसरा स्टाइलस। सो गाइज, दूसरे स्टाइलस के लिए आपको जो चीज़ें लगने वाली है वो ये है। सबसे पहले तो आपको एक पेंसिल लगेगी, पुरानी कोई भी आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। एक ये पिन लगेगी इस तरह की, जो कि हम लोग जो बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर नोटिस लगाने के लिए हम लोग ये पिन यूज़ कर सकते हैं। सो ये पिन आपको चाहिए होगा। और ये एक कॉपर वायर, ये तीनों चीज़ें आपको घर में कहीं पर भी मिल जाएगी। सो आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले आपको ये पिन टेस्ट करनी है कि इस पिन से वर्क या टच काम करता है या नहीं। सो चेक करते हैं कि ये पिन से काम करेगा या नहीं। सो ये पिन ऐसे पकड़ रहा हूँ, यस ये काम कर रहा है, पर ब्राइटनेस भी डाउन कर लेता हूँ। ये देखिए काम कर रहा है, यस इट्स वर्किंग, इट्स प्रीटी मच वर्किंग, ये भी काम कर रहा है। तो अभी आप हर बार इस पिन को इस तरह से पकड़ के काम नहीं कर सकते। सो उसके लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इस तरह की कोई भी छोटी सी पेंसिल ले लीजिए और उस पेंसिल के पीछे एक छेद बना दीजिए, उस छेद में इस पिन को फिट कर लीजिए। पहले आप इसे फिट कर लीजिए इसके जैसे, फिर इसे निकाल के फिर से इस कॉपर वायर को एक ऐसा एंकल बना लीजिएगा, ओके। इस तरह का एक एंगल बना लीजिएगा जहाँ पे आप इसे इस तरह से फिक्स कर सको, इसे इस तरह से पकड़िएगा और ऊपर से इस पिन को इसके साथ इस पेंसिल में अटैच कर दीजिए, ओके। ये कॉपर वायर इसलिए लगाई है मैंने ताकि हमारे जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो इस कॉपर वायर से ट्रांसफ़र होके इस टिप तक आ जाएंगे, ओके। सो अब हम इसे फिर से चेक करेंगे, लेट मी टेक अ न्यू डॉक्यूमेंट। सो लेट्स चेक, यस ये वर्क कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, देखिए थोड़ा लैग हो रहा है पर वर्क कर रहा है। सो ये था दूसरा स्टाइलस जो मैं आपको बताने वाला था। अब हम चलते हैं तीसरे स्टाइलस की तरफ। सो गाइस, जो थर्ड स्टाइलस है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टाइलस एक्चुअली एक बैटरी है जिससे आप अपना स्क्रीन और आपका टच रिस्पॉन्स कर सकते हो। सो लेट्स चेक कि ये काम करता है या नहीं। सो आपको पकड़ना कैसे है, इस तरह से आपको पकड़ना है और ये जो चीज़ है आपकी उंगली वो यहाँ पे लगनी चाहिए, ओके। सो लेट्स चेक, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बहुत से वीडियो में मैंने देखा है कि ये रिस्पॉन्ड करता है पर ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, डोंट नो व्हाई। इसका मतलब जो वीडियोस इसके सेल के ऊपर जो वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, आई थिंक वो फेक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट थोड़ा बहुत चला था, आई थिंक कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। सो ये तीसरा स्टाइलस आप ना यूज करो तो ही बेहतर है। एक्चुअली मैंने ये स्टाइलस इसलिए दिया कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं जिसके अंदर इसकी मदद से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा, क्योंकि इससे पता नहीं कैसे काम करेगा ये।
अब आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों के सामने इसे बना के देखा, उल्टे साइड से चेक करते हैं। ओह यस, उल्टे साइड से काम कर रहा है। यस 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 यस, इट्स वर्किंग बट फ्रॉम अनदर साइड। ओके, ये वाली साइड मत यूज़ कीजिएगा, ये वाली साइड यूज़ कीजिएगा। लेट मी शो यू, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वाली साइड यूज़ कीजिएगा। तो उससे काम कर रहा है। राइट 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 राइट। बट यूट्यूब के जो वीडियोज मैंने देखे थे उसके अंदर वो लोग इस साइड से ऑपरेट कर रहे थे और हो रहा था, वो काम कर रहा था स्टाइलस, पता नहीं कैसे। बट जो अपोजिट साइड है वो काम कर रही है इसकी, इसका मतलब ये भी आपके लिए स्टाइलस बन सकता है। पर सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यही स्टाइलस यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्रोफेशनल टाइप लगता है। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो आप सेल तो लेके नहीं जा सकते सबके सामने। सो इट्स गुड कि आप ये वाला स्टाइलस यूज़ करें, और ये टोटली वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप इजीली इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये वाला जो स्टाइलस है ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको डिजिटल स्केचेस निकालने की आदत है या आपको अच्छा लगता है डिजिटल स्केचेस निकालना, सो ये स्टाइलस आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा कि बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।